से, ये थोड़ा उस नेचर का बर्ड है। और आपने इसको थोड़ी सी मिट्टी, एक आप चाहें तो इसको एक बाउल के अंदर दे दिया करें, रख दिया करें अपने केजेस के अंदर, एक साइड के अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ लाहरी वली सैयद और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिद्दीकी बर्ड्स फार्म। तो भाई आज हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, सैयद मुइज़ुद्दीन उनका नाम है, इसलिए ये वीडियो है। बाकी सब बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा। कट थ्रॉट पर ये वीडियो है, उनका ये सवाल था कि यार कट थ्रॉट खुद अपने बच्चे क्यों नहीं पालते, और अगर पालते हैं तो उनके बच्चे क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते, तो इसके पीछे की वजह ज़रा बताएं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भाई देखें, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसके साइंस नहीं है कोई। कट थ्रॉट एक वाइल्ड बर्ड है और थोड़ा सा इसकी साइंस, इसकी साइकी थोड़ा समझनी पड़ती है। चंद चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, वो क्या है। मेरे पीछे तो खैर ये कट थ्रॉट्स के पेयर ही हैं, ज़रा हटा के दिखा दूँ आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। रेड रिबिन के अंदर कट थ्रॉट्स हैं ये। अच्छा, जिनको इनकी म्यूटेशन नहीं पता उनके लिए भी बताता चलूँ भाई, ये कोई नॉर्मल वाला कट थ्रॉट नहीं है हमारे पास, ये नॉर्मल। अच्छा, प्राइस भी शेयर कर देता हूँ, उसकी अराउंड तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार रुपये का कट थ्रॉट का पेयर है यार, इजीली मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, हमारे पास कोई कॉमन नॉर्मल कट थ्रॉट अभी तक मौजूद नहीं है, जो थे हमने उनको हटा दिया था, क्योंकि हम अच्छी म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग करते हैं जैसा कि सब जानते ही हैं। तो यार यहाँ पर हमारे पास स्प्रेड कट थ्रॉट्स मौजूद हैं और एल्बाइनो कट थ्रॉट्स मौजूद हैं भाई, जिसके अंदर ऑरेंज रिबन भी मौजूद है हमारे पास, रेड रिबन भी मौजूद है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम म्यूटेशंस हैं सिद्दीकी बर्ड्स फार्म पे, आप लोगों को तो पता ही है यार। तो भाई इसके अंदर देखो आप लोगों ने करना क्या है, ब्रीडिंग इसकी जो परफेक्ट एज है आफ्टर 10 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स के बाद आपने इसको ब्रीडिंग एज के ऊपर लगाना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊंगा अभी कट थ्रॉट्स के पेयर भी। अच्छा, आपने इसको 10 महीने के बाद इसको ब्रीड पर लगाना है, ब्रीड पर लगाने के बाद आपने इसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसका जो कोई दाना अलग से नहीं है, वही दाना है यार, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, अलसी का आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बिल्कुल कैनरी सीड आप अगर देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस नहीं मांगता, इसको 2-4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली क्या कि धूप आए आपकी जगह पे जहाँ पर आपका बर्ड रखा हुआ हो, जैसे कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शेड बना हुआ है वहाँ से हटे हुए हैं इसके शेड वगैरह, अभी भी धूप आ रही है तो थोड़ी धूप चाहिए होती है इस बर्ड को। और आपने इसको नेस्टिंग अच्छी से अच्छी देनी है, इसने अपनी नेस्टिंग खुद करनी है, कर ले नहीं करे आप बॉक्स वगैरह के अंदर दें, हंडिया के अंदर भी ब्रीड कर लेता है ईजिली, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। आपने ये देखें, ये ज़्यादातर पाया जाता है अफ्रीका के अंदर, मिडिल अफ्रीका के अंदर भी मिलेगा आपको और साउथ अफ्रीका की साइड पे भी मिलेगा आपको ये जो है। अच्छा, आपने ये कोई अगर एवेरी के अंदर इसको रखना चाह रहा है तो यार वो रख सकता है, लेकिन एज अ बेंगलाइज के साथ नहीं रख सकता, एज अ ज़ेब्रा फिंच के साथ नहीं रख सकता, वाइल्ड बर्ड हमेशा वाइल्ड के साथ ही चल। तो कोशिश करा करें अपने बर्ड्स को उसकी साइकी थोड़ा समझ लिया करें, गूगल आप लोगों के पास मौजूद है, आपका भाई आप लोगों के पास मौजूद कर सकते हैं भाई, कोई चीज़ नहीं फंसे वो पूछ सकते हैं। तो आपने इसके साथ कौन कौन से बर्ड्स रखने हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो बिल्कुल इसी की नेचर के हों, जैसे कि पैरट फिंच हो गया, अगर आप रखना चाहें बड़ी एवेरी के यार आप 1-2 पेयर उसके अंदर एडजस्ट, ये नहीं कि भर दो आप उसको, 2-3 पेयर एडजस्ट कर लें अगर आप पैरट फिंच हो गया, इस तरीके से जितने वाइल्ड बर्ड होगा वो आप रख सकते हैं। एग्रेसिव बर्ड है, हाथ में पकड़ो काटने लग जाता है, जैसे मोहब्बत हो फिल्म के अंदर आपने पत्ता देखा था उनका, उसी के जैसे इसका बिल्कुल कलर है। अच्छा भाई, धूल मिट्टी बहुत पसंद करता है ये, क्योंकि अफ्रीका के अंदर तो भाई बंजर ज़मीन है और ज़्यादा हरियाली नहीं है, तो इतनी हरियाली का इसको शौक है भी नहीं, और ये धूल मिट्टी पसंद करता है, उसी के अंदर नहाना पसंद करता है, अपने ऊपर मिट्टी उड़ाना, जैसे आपने देखा बटेर ये किस तरीके से वहाँ के इलाकों के अपने ऊपर मिट्टी उड़ाते हैं, इस तरीके से ये थोड़ा उस नेचर का बर्ड है। और आपने इसको थोड़ी सी मिट्टी, एक आप चाहें तो इसको एक बाउल के अंदर दे दिया करें, रख दिया करें अपने केजेस के अंदर, एक साइड के अंदर, हफ्ते के अंदर 3 दिन दे दें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब ब्रीड पर आपका बर्ड आ जाए तो आप लोगों ने सॉफ्ट फूड चलाना है, सॉफ्ट फूड में क्या चलाना है आप लोगों ने, एग रस्क, वो जो तमाम चीज़ें चलती हैं वो आपने वेजिटेबल्स इसको दे देने, ठीक है। आपने इसको लाइव वॉर्म्स, लाइव कीड़े मकोड़े, जिंदा जिंदा जो चीज़ें होती हैं, जो जितनी ये चीज़ें हैं कीड़े जो ये पसंद करते हैं, बहुत अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अगर बाहर उड़ती हमारे
जो सराउंडिंग के अंदर ही आपने चुड़िया देखी है, स्पैरोज जो होती हैं वो भी, उनका बच्चा भी किस तरीके से अपना जब मुंह खोलता है तो वो कीड़े ही खिला रही होती हैं उनको, लाइव इंसेक्ट्स खिला रही होती हैं उनको, जो भी गंदगी में से वो चुन चुन के लेकर आ रही होती हैं वो। लेकिन आप तो अपने बर्ड को कोई गंदी चीज़ नहीं देंगे आप, लेकिन इसके लिए वॉर्म्स पैदा करें, नहीं अगर पैदा कर सकते तो बाहर मार्केट के अंदर मिलते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, वो ले लें या वरना ना कर इनको दे सकते हैं, आपके पास बच्चा नहीं मरेगा। और अगर आपके पास मर रहा है तो बैंगलीज इसको फूस्टर करती हैं, बैंगलीज से आप फूस्टर करवा सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैंगलीज से भी फूस्टर करवाए हैं, इन्होंने खुद अपने सेल्फ भी करे हैं हमारे पास चिक्स, तो इस तरीके से आपका कोई ना नुकसान होगा चिक के अंदर, ना आपके पास मोर्टेलिटी आएगी, कुछ नहीं आएगी। हाँ ये स्प्लिट, अच्छा एक और सवाल था कि यार स्प्लिट्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल बता दिएगा कि स्प्लिट्स क्या होते हैं। यार देखें, एल्बाइनो टू एल्बाइनो लगकर या कोई दूसरा स्प्लिट लगकर जो एक चीज़ जैसे एल्बाइनो रेड आइज होता है उसके अंदर से निकल कर कोई एक ब्लैक आई आया है और वो इस मोहब्बत कलर का परिंदा निकल कर आया है, यानी कि सैंड के कलर का निकल कर आया है, तो आप उसको स्प्लिट कहते हैं। स्प्लिट टू स्प्लिट जब लगाएंगे आपको विजुअल के चिक्स निकल कर आ जाएंगे उसके अंदर से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो चिक्स आते हैं। थोड़ा सा इशू ये आता है कि बहुत वीक ब्लड लाइन है तो मुश्किल से हैंडल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर लेते हैं। और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इनको कि ये देखिए माशाल्लाह से भाई, ये कट थ्रॉट्स के पेयर्स हैं, रेड रिबन के अंदर है, और ये भी यहाँ पर रेड रिबन मौजूद है। ये सब तमाम स्प्लिट कट थ्रॉट्स हैं, ये अब आपको इजीली दिख रहा होगा। बहुत अच्छा बर्ड है वैसे ये, सिंगल केजेस के अंदर ही चलता है ये, यहाँ हमारे पास तमाम ये इधर इन केजेस के अंदर ये कट थ्रॉट्स मौजूद है। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा विजुअल एल्बाइनो भी दिखा देता हूँ भाई, एल्बाइनो कट थ्रॉट लोग इसको कुछ कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं भाई ये कलर और इसका ये क्लास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि बर्ड्स अब आ चुके हैं ब्रीड के ऊपर, और प्लस अब इनसे अच्छी हेल्दी ब्रीड लेनी है हम लोगों ने। और ये तमाम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, उन भाई के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था यार मुझे ज़रूरत है आप बना कर दे दीजिएगा, तो भाई मैंने इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाई है। बाकी भाई की वीडियो पसंद आती होंगी आप लोगों को, तो भाई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिए। और वर्ल्ड कप जैसा आप लोग देख रहे हैं चल रहा है, बहुत तबीयत से पाकिस्तान हरा रहा है, और जो लोग भागे थे दुम दबा के भाई सिक्योरिटी का इशू था, उनका सिक्योरिटी का इशू भी हल कर दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे क्रीज से निकला नहीं जा रहा था, निकला तो उनको सिक्योरिटी ने वापसी बोला घर जाओ तुम चलो, केन विलियमसन रन आउट हो गए। तो खैर थोड़ी बहुत, और हाँ केज है 12 पोर्शन का, 12 पोर्शंस इसके अंदर अभी इनकम्प्लीट है, इसके अंदर आप लोगों को मजीद दिखाएंगे कि भाई अब इसके अंदर क्या चीज़ होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे आप लोगों के लिए, कोई कोई भी किस्म की कुछ मुश्किलात पेश आ रही हो तो भाई हाजिर है भाई, जो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मैं बना, यार कोई ऐसा इशू नहीं है। और कट थ्रॉट के बारे में ये थोड़ी सी साइंस थी यार, तो आप लोग बिल्कुल इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, इंशाल्लाह ताला 110% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, एक दफ़ा ये कर देखिए और फिर भाई को ज़रूर बताइएगा। सेकेंड, आप लोग वीडियो के अंदर ये सोच रहे होंगे यार कि इन्होंने विजुअल एल्बाइनो टू एल्बाइनो लगाया हुआ है कट थ्रॉट ना, तो यार क्या वजह है? तो यार कुछ ना कुछ तजर्बा करना चाहिए, इंसान तजर्बों से ही सीखता है। और ये मेरे साथ जैसे कि आपने देखा है कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ये पेयर कि यार ये विजुअल एल्बाइनो टू एल्बाइनो लगा हुआ है, लेट्स सी कि हमारे पास इसका क्या रेशियो आता है, कितनी म्यूटेलिटी आती है नहीं आती, फिर आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करेंगे भाइयों, ठीक है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेरी के अंदर भी इसका अच्छा अभी एक एक्सपीरियंस चल रहा है, जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा, लास्ट से कुछ पुरानी वीडियो है, थोड़ी सी 3-4 नीचे जाना पड़ेगा आपको वीडियोस के अंदर, तो वो मिल जाएगी आप लोगों को। उसके अंदर जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को कि उसके अंदर बहुत सारे कट थ्रॉट्स के पेयर्स हैं जो कि मौजूद हैं हमारी कवेरी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे एक क्लच लिया, 3-4 अंडे आए हैं उस एक पेयर के अंदर, वैरी के अंदर एक पेयर ने दिए हैं, लेट्स सी कि वो फर्टाइल हैं या नहीं फर्टाइल, थोड़ा सा देखना ये होगा हम लोगों ने इसको। और एक और मैं सोच रहा था कि तजर्बा करना चाहिए यार, कोई अलग डिफरेंट फिंचेस उनके साथ छोड़नी चाहिए, लाइक अभी तो ज़ेब्रा फिंचेस को तो मारेंगे वो, बेंगलाइज अगर उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, सोच रहा हूँ मैं, अभी तक सोचा करा नहीं है ऐसा कुछ,
तो करेंगे, अगर करूँगा तो ज़रूर आप लोगों को, यार आप लोगों को साथ दिखाएंगे, लेकर चलेंगे। तो ठीक है, स्क्रीन पर तो मेरा नंबर चल ही रहा होता है ऑलमोस्ट। तो इंशाल्लाह ताला भाई को अब इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।